छह राज्यों में चुनाव का जलवा। बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके तहत त्रिपुरा की 2 सीटें, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक एक सीट पर 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी और उसी दिन परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि इस उपचुनाव में सबसे अहम केरल की पुथुपल्ली सीट है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम ओमन चांडी के निधन के कारण खाली हुई है। चांडी 50 साल से भी अधिक समय से इस सीट पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कांग्रेस ने पुथुपल्ली सीट से दिग्गज नेता के बेटे चांडी ओमन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट पर चांडी ओमन की जीत अभी से ही तय मानी जा रही है। बता दें कि इस उपचुनाव में त्रिपुरा में भी 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। त्रिपुरा में बॉक्सनगर सीट के विधायक शमसुल हक का हाल में निधन हो जाने के कारण इस सीट पर चुनाव होना है। दूसरी सीट पर धनपुर है, जहां चुनाव होना है। यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक विधायक चुनी गई हैं, लेकिन उन्होंने बीते दिन इस सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण धनपुर सीट पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है। और यूपी में भी यही देखा जा रहा है और झारखंड में भी यही देखा जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि जिस तरीके से 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। तो देखने वाली बात है कि आगे होता है क्या। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।